नाराय हैदरी उलमाए अहले सुन्नत आपने इश्तेहारात के जरिए मालूम किए हुए थे, आज सुबह से आप उनकी हालात को देख रहे हैं, हम उनसे रابطے में हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी पता चला है कि हमारे मेहमान खुसूसी जो मुल्तान से तशरीफ ला रहे हैं, हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद कासिम सईदी साहब, आप टेक्सला में पहुंच चुके हैं, उम्मीद है थोड़ी देर तक आप तशरीफ ले आएंगे। और इसके अलावा कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब, आप भी रस्ते में किसी जगह पर मौजूद हैं, वहाँ से बहरहाल आप आ चुके हैं। और हजरत खुर्शीद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा प्रोफेसर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब, आपके साथ दिन एक बजे हमने रब्ता किया तो उस वक्त सुहागा में आप तशरीफ फरमा थे, अभी तक रस्ते की मुश्किलात के पेश नज़र यहाँ तशरीफ नहीं ला सके, और उम्मीद है आएंगे इसलिए कि अभी रब्ता नहीं हो रहा। जिस तरह आज सुन्नत के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, इसी तरह टेलीविजन के रवाबित सारे भी खत्म किए जा चुके हैं, और मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको भी खत्म किया जा चुका है, अभी रब्ता नहीं हो रहा। हो सकता है अभी दो मिनट के बाद हमारे मेहमान आ जाए या थोड़ी सी और तखीर हो जाए, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम नवाजी फरमाई है, क्योंकि ये सरकार के जिक्र की महफिल है। दबके ये मेरे महबूब के जिक्र की महफिल है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जिक्र करने के लिए तेरा और मेरा एहतियाज बाकी छोड़ा ही नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को खुद बयान किया मेरा। और सरजमीन खिताबत, दुनिया इस्लाम के बड़े बड़े खतीमों वाली सरजमीन, मेरी मुराद हाफिजाबाद, हाफिजाबाद की वो सरजमीन है जहां से बड़े बड़े खुतबा फैज लेकर खिताबत के वो फूल जो है लोगों में निछावर करते हैं, वहां से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हुए फाजले नौजवान, फाजले जलील, आला नबी मुकर्रर शीरी निसान हजरत अल्लामा मौलाना वहीद अहमद बिलाल साहब, खतीब आजम हाफिजाबाद, आप हमारी महफिल में जला अफरोज हैं। मैं इंतहाई अदब से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने मोबाइल हजना से हमारे कुलूब आजाद को मुनव्वर फरमाइए, अपने मेहमान का नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए, नारा तकबीर। हाफिजाबाद के इलाके माशाल्लाह आजकल मीडिया का दौर है, फेसबुक पे देख लो, भावे सोशल मीडिया के किसी और तरीके से देखो, सीडीएन के जरिए देखो, हाफिजाबाद के वो खतीब ने जेड़े आले सुन्नत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क एज बयान करते हैं जब इश्क बयान करने का हक होता है, इन्हानू पता लग जाए कि सरजमीन हजारा और हुजूर गुलिस्तान छोरवी, हुजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा छोरवी अब्दुल्ला ले, तो वो है जिन्होंने महबूब की बारगाह में इतना दुरूद पेश किया, इतना दुरूद पेश किया, न 14 सदियों में पहले किसी ने पेश किया है, ना बाद में कोई कर सके। नारे तकबीर, दम के नारे।
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم امام الانبیاء آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہدیہ درود و سلام انتہائی سو انکسار دے نال پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ اور اسٹیج تے تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام والا شان شوکت اسلام حضرات علماء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد احمد الرحمان صاحب اور میزبان محترم زینت المدرسین حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عبد الرحمن سلطانی صاحب اور دیگر علماء جو تشریف فرمانے جنہوں نے میں پہلی دفعہ زیارت کر رہا ہوں اسماء مبارکہ تو میں واقف نہیں ہوں اللہ پاک انہاں علماء دا سایہ تادیر سارے سراں تے سلامت رکھے اور اساں سنیاں نوں تہ دل نال اپنے مسلک دے علماء دی عزت و احترام دی توفیق عطا فرمائی. حضرات محترم آج دا اے پور وقار اجتماع بڑا با برکت اجتماع مرکزی دارالعلوم جامعہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ دی اس خوبصورت پنڈال دی اندر اس طرح تسی جان دے کہ امام الانبیاء آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے اندر دی نکات پذیر ہوئی جن علماء نوں تو صحابہ نے سماعت کرنا ہے جس طرح میرے محترم فرما رہے سن کہ ملکی حالات تہاڈے سامنے نے اللہ کرے وہ تشریف لے آون اج دا اے واعظ اج دا اے پروگرام میرے واسطے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی. امتحان میرا سٹیج بھی آتا کہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال حافظ آباد کی دھرتی اینی کو زرخیز ہے بے کہ تہاڈے ورگے غلاما نے مصطفیٰ نو سانو ٹنگ ہوندا ہے کہ حضور دا میلاد کیویں سنانا.
वैसे मैं पंडाल वेख के बड़ा राजी भी हो रहा, खुश हो रहा हाँ। एक मैं थोड़ी जी परेशानी भी है कि कुर्सी से बह के बोलना है सिर्फ मौलवी नहीं काम दी, मजमा कुर्सी से बैठ जाए तो फिर बोलना जरा दुश्वार हो जाता। मैं अंदर काफी देर का बैठा सा, बाहर आ रहा, मैं सुनता पा सा कि तुसी जितना वड्डा जश्न है, जितना वड्डा एहतमाम है, उस तरह का तुहाडा जोक नहीं नजर आ रहा। एक बार मुहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करा। माशाल्लाह इंज अगर चलते रहे ना तो तुहानू भी मजा आएगा, मैनू भी सरकार का जिक्र करन दा अजर मिलेगा। तो इंशाल्लाह जे मुक्तदर उलमा बैठे ने वह भी मैनू दुआवां दे। तो जो फरमाओ गुफ्तगू शुरू है, रात मीलाद कहते हैं, इमाम अंबिया सरवरे कायनात वजहे तखलीके कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया ते तशरीफ लियोन दे जिक्र। बड़ी मेहरबानी, थोड़ी जी और कोशिश करो। मीलाद कहते ने कमली वाले आका ने सलातू सलाम का जिक्र इस अंदाज किया जाए जिसके अंदर सलातू सलाम का दुनिया से जहूर पजीर होना बयान किया जाए। कायनात के बड़े लोगों का दुनिया के आने का पैदा होने का जिक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पर बेटा बाप अपने बेटे के आवन की गल करता है, वो भी मिलाद है। और दीगर जो किसी की सालगिरह मनाई जाती है उस वेले भी वह जो पैदा होता है वह गल्लां कीतियां जांदियां ने। मगर मेरे ते तेरे आका इमाम उल अंबिया आके कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्रे मिलाद की फरादियत देवे कि हर आने वाले का जिक्र आने तो बाद किया जाता है। हजूर के मिलाद का जिक्र ऐसा जिक्र है जड़ा कबली वाले के दुनिया के आने तो पहला भी किया जाता है। बड़ी मेहरबानी, इंतहाई तौर पर फरमाना। मैं सिर्फ मिलाद ही अर्ज करने और किस वक्त जिक्र होया और केड़ी घड़ी सी जब जिक्र होया। अबाबे जी वकार खालिके कायनात मालिके कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुरान का तीसरा पारा याद करो जो रब फरमाते हैं मैं नबियों को मीसाक लिया वादा लिया याला नबिया ने दुनिया से आने तो बाद वादा लिया। फरमाया नहीं ये आलमे अरवा की गल आलमे अरवा की गल और वादा की सी मीसाकन नबी कीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। खालिक फरमा दे मेरे नबियों ते रसूलो मैं तुहानू नबुवत भी दवांगा और कुछ नबुवत और रिसालत भी अता करांगा, तुहानू किताबां भी दवांगा। तो वो जो फरमाना होना मां को दुआ लैन वास्ते चुका अर्ज करने लगा, फरमाया मिन किताब, मिन किताब तुहानू किताब दे विचों कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दवांगा। जो वारी आई ना आमिना दे नान की, जो वारी आई वो तुहा दे चेहरे वाले की,
जो वारी आई बदैर के जुल्फ वाले की, जो वारी आई माजाकल बसर दी अखा वाले की, जो वारी आई यकुत्ला के हथा वाले की, जो वारी आई यूहा ने नबा वाले की, जो वारी आई हबीब ने कुमला वाले, मेरे ते तेरे लजपाल गरीब नवाज नबी जी सारे नबियों ने फरमाया मिन किताब अपने यार ने फरमाया वजू अली को हो मुल किताब फरमाया सारे नबी किताब विचों कुछ कुछ हिस्सा लेके उनके पर मेरा नबी अली को हो मुल किताब मेरा नबी किताब पढ़ाने वाला बन के आएगा किताब की तालीम लेने वाला बन के आएगा अबाबे जी वकार और आलम आबादी कर क्या करना और मैं नबी हो दौर भी तुहाडा नबुव्वत भी तुहाडी होवे रिसालत भी तुहाडी होवे कलमा भी तुहाडा पढ़िया जा रहा होवे शरीयत भी तुहाडी ते अमल होंदा होवे लादा हुक्म कीए फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा ثم جاء اتم رسول پھر میرا رسول آ جائے جملہ میرے ذہن وچ رکھنا ہے میلاد کے میرے کملی والے دے اون دی گل کرنا کملی والے دے اون دی گل کرنا تو رب کی فرماتا ہے ثم جاء اتم رسول پھر میرا رسول آ جائے مصدق لما معكم تو تہاڈی तस्दीक करेगा महाकुम तस्दीक करेगा ज्यादा किस तरह तस्दीक करेगा आखिर आएगा फरमाया आउण खातम नबी जी ने बनन सब तो पहली मखलूक मेरे नबी का नूर है सब तो पहली तखलीक रब्बे कायनात ने जड़ी फरमाई है तो इमाम अंबिया का नूर नबुव्वत है अबाबे की मकान फरमाया सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्न तुहानू ए हुक्म देण लगा वा तुसी मेरे रसूल ते ईमान भी लेने ओदी मदद भी करनी ईमान भी लेने मेरी मदद करो थोड़ी जी मेरे बोलो अल्लाह प्या फरमाता है मेरे रसूल ते ईमान भी लेने मदद भी करनी है यार बलालमीन बोल भी कलमा पढ़ के आखेगा कुरान की आयतें सुना सुना के आखेगा हदीसा दिया मन पसंद दिया शुरू हाथ करके साबित करेगा कि इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन इबादत सिर्फ खुदा दी मदद सिर्फ खुदा कर सकता है या अल्लाह तू रखो के कहना पे नबियों मेरे नबी दी मदद करे आज नबियों मेरे नबी दी मदद करे आज मेरा टॉपिक नहीं है मैं मिलाद अर्ज करना चाहना अब आबे की वकार तवज्जो रब कहना पे है अगर मैं चाहवा ते किसे बंदे नु किसे आला इंसान नु इस काबिल बना सकना तो इंसान का मददगार बन जाए अबाबे की वकार आलमी अरवाज इस चलचे की रूदा को सासना फरमाई जिसके अंदर हजरत आदम तो लेके जनाब हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलातो व सलाम तक तमाम अंबिया दिया अरवा मौजूद तमाम अंबिया दिया अरवा मौजूद ने और फिर वेला गुजरता गया ए रब ने मिलाद पढ़िया है बोलो ए रब ने या तवज्जो मेरे वाल करो ना ए रब मिलाद पढ़िया है किसे दा मैं जिक्र करा तुहाडे दिल च इश्तियाक हुंदा है ओदे नाल मुलाकात करोगे कदों वे किसे दा किबला अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब जिक्र करन तुसी इश्तियाक करोगे तुहाडे दिल दे विच इंतजार होवेगा ओदे नाल मुलाकात कदों होवेगी अबाबे जी वकार किसे दा जिक्र होला मां मुफस्सरीन मुहक्किकीन जिक्र कर तुसी इंतजार करोगे ओदा दीदार कदों होवेगा जिदी अमर की गल ए करते पे ने ओ कदों आवेगा मेरी मोहब्बत कहनी है सारे नबियां दे दिल च मोहब्बत ए मुस्तफा पैदा हो गई ते सारे इंतजार भी करते रहे दुआवां भी करते रहे बोला हुण ओ भेज दे ना जिदा जिक्र आलम-ए-रवाज करदा रहना
का जिक्र हाल में रवाज करता रहे। हजरत मोहतरम आओ आगे चलिए, सिर्फ असा जिक्र नहीं किया, मैं अर्ज कर चुकिया रब ने हजूर दे आन का जिक्र किया। बोलो रब ने हजूर दे आवन का। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे रब العالمین ने हजूर दी आमद का जिक्र किया और फरमाया तुम आ जा महबूब ने किसे नबी ने दौरे नबूवत के अंदर नहीं आना, मेरे नबी ने किसे नबी के दौरे रिसालत के अंदर नहीं आना। एक ही अंबिया ने इकट्ठिया करके अपने यार का जिक्र पिया करना है, अपने जहर की आमन दे तस्करे पिया करना है। मेरे रब ने फरमाया मेरे नबी दे दीवाने हो, यही कि मैं तुहानू दसना चाहना। कुछ लोग बन गए जिड़े नबी का कलमा पढ़ के इमाम अंबिया की मुहब्बत की गल करके कुरान पढ़ के साबित करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं ये मन घड़क निकले, नहीं नहीं ये असलियत कोई नहीं, नहीं नहीं ये दासल ना ताल्लुक कोई नहीं। रब ने फरमाया एक दिन मैं खुद अपनी जबाने बेजबानी नाल जिक्र कर चढ़िया और अंबिया की मजलिस के अंदर जिक्र कर चढ़िया। दूसरी बात ये वे आन वाला मेरा महबूब, मैं ओदा मुहिब, वो मेरे नाल प्यार करना, मैं ओदे नाल प्यार करना। ये मोहब्बत का तकाजा ये होंदा है, जे मोहब्बत का तकाजा ये होंदा है, मुहिब चाहता है हर वेले मेरे महबूब का जिक्र होंदा रहे, हर वेले महबूब का जिक्र होंदा रहे, हर वेले मेरे महबूब के गुण गाए जाते रहे, हर वेले मेरे महबूब दिया अबरू ते जुल्फां दे गल्लां होंदे रहे। रब ने फरमाया एक ते मैं ये साबित कर छड़िया कि महबूब की आमद का जिक्र एक कुरान है, ऐन कुरान है रब्बुल आलमीन दी सुन्नत ते रब दा अमल है। अबाबे जी वकार दूसरा नबियां दी महफिल सजा के, नबियां दा मिलाद दा जलसा सजा के, मैं कायनात वालिआं नूं कयामत दी सुबह तक एक मैसेज तवे कर छड़िया है, एक मैसेज दा छड़िया है, एक पैगाम दा छड़िया है। या अल्लाह पैगाम की है, फरमाया मैनू वो बंदा बड़ा ही चंगा लगता है, मैनू वो इंसान बड़ा ही आला लगता है। या अल्लाह केड़ा इंसान, फरमाया जेड़ा सुबह मसा हर वेले चलदिया फिरदिया अपने मेरे महबूब का जिक्र करता रहे, कि आका दी नातां गाता रहे, कि मुस्तफा दी आमद दे तज़किरे करता रहे, कि मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दद दीन व मिल्लत इमाम मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह दा कलम होवे और उस्सा कहन मुस्तफा दी ज़बान होवे। रब नबियां दी महफिल जिक्र पिया करदा है। आओ अज खाजा छोजवी दे गुलशन दे विच बह के इस तालीम और तरबियत दे मैकदे दे विच बह के रब्बुल आलमीन दे इस पैगाम ते अमल करिए कि मिल के आखिए सबसे आला हो आला हमारा। इन नहीं कम चलना यार, इन नहीं कम चलना, ये वो कलाम है जरा सुन्नी घराने पैदा होने वाले बच्चे बच्चे को याद है, सुन्नी घराने पैदा होने वाले बच्चे बच्चे को याद है। एडा आसान कलाम, बल्कि मैं तो कहना ना कबरे चौने फरिश्तियां फिर उन्हें सरकार ने ते पूछिया जाने मा कुन तकूल फी हक हाजर रजुल, दस इहदे बारे दुनिया ते की कहंदा रहे। ते मैं ते अपनी गल करना जो मेरी कबर में आए ना सरकार ते फरिश्तियां सवाल किया दस की कहना रे, ते मैं ते कहना मैं कोई कल्ला कहना रे। मुहब्बत है यार, मुहब्बत है, मैं कोई कल्ला कहना रे, मैं कोई बैठ के बैठ के कहना रे। मैं ते मसाजत ते जुमिया ते मौके ते मिंबर ते बैठ के जलसिया ते गली गली नगरी नगरी कूचा कूचा